Good to all of you and welcome to my lecture, Chemistry with Ashish Arora. Today we are going to continue, or rather say we are going to start a new chapter that's called Chemical Kinetics. ये physical chemistry का chapter है, okay, काफी important chapter है. Board में इसके base पे 6-7 mark का तो minimum पूछते हैं MCQs में as well as numerical point of view से. Numerical base last our syllabus. Okay, what does it deal with? It talks about chemical kinetics. Kinetics का मतलब होता है something is in motion. And chemical मतलब chemical reactions. Whenever there are chemical reactions, उसके साथ rate find करने के process को हम बोलेंगे chemical kinetics. कोई भी reaction होता है उसका एक speed होता है, rate. तो वो कैसे determine करते हैं? Physics में you know about the speed. Normally physics में you find out speed equals to distance traveled upon time taken for that distance to be traveled. तो उसको हम क्या बोलते हैं? Okay, speed या तो rate. Suppose हमारे पास एक reaction है, A plus B gives you C plus D. उसका अगर हमें rate find करना है, तो कैसे rate find करेंगे? बहुत ही simple सा तरीका है. मैंने एक यहाँ पे graph पहले से बना के रखा हुआ है. अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो okay, on vertical axis I have taken the concentration, and on horizontal axis I have taken time. कोई भी reaction होता है, शुरुआत में मतलब जब इनिशियल होता है टाइम व्हेन वी स्टार्टेड, उस टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज मैक्सिमम एंड कंसंट्रेशन प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो. एंड धीरे धीरे एज द टाइम प्रोग्रेसेस यू कैन सी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे बात करते हैं हम कि लेट्स से हमारे पास दो टाइम दिए गए थे, अलग अलग टाइम पे हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फाइंड किया. हमने क्या फाइंड किया? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. लेट्स से कि ये टाइम T1 है, इस टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R1 है, एंड टाइम T2 पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या मिला आपको? R2. और यही टाइम पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लेट इट बी P1 था, एंड फाइनल टाइम पे वो पहुंच चुका है P2. कितना पहुंच चुका है? P2. इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज ऑलवेज चेंजिंग कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन. अगर मैं ये टाइम की बात करता हूं, T2 पे R2 था एंड T1 पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R1 था, देन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट अगर मुझे फाइंड करना है, तो रेट, एवरेज रेट विल बी फाइनल कंसंट्रेशन, दैट इज R2 माइनस R1 अपॉन टाइम टेकन T2 माइनस T1. या तो फिर अगर प्रोडक्ट के बेस पे अगर आप फाइंड करना चाहते हो, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना है? P2. एंड इनिशियल कितना था? P1. देन P2 माइनस P1 अपॉन P2 माइनस T1 लेंगे. अच्छा, इसमें एक चीज आप देख रहे हो कि मैंने आगे यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा रखी है, यहाँ पे नहीं लगाई. उसका रीजन आप इजीली समझ सकते हो. जब हम बात करते हैं R1 एंड R2 की, यू कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ R2 इज ऑलवेज लेस देन वैल्यू ऑफ R1. So R2 minus R1 अगर आप करते हो, it will be a negative value, and rate cannot be a negative value. So to make it positive, हमने आगे और एक negative लगा दिया, तो negative into negative क्या हो जाएगा? Positive. Product के लिए वो issue नहीं होता, क्योंकि P2 की value हमेशा ज़्यादा रहती है P1 से, तो P2 minus P1 will be a positive value. और हम उसको लिखना चाहेंगे, तो minus delta R by delta T, या तो plus delta P by delta T. Change in concentration, that is delta R. और डेल्टा पी अपॉन टाइम टेकन होता है. ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया. एंड इसका यूनिट जो आएगा, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, और नीचे टाइम या टाइमिंग. याद रखना, ओके, कहीं सारे रिएक्शन सेकंड्स में खत्म होते हैं, कहीं सारे रिएक्शन मिनट्स में खत्म होते हैं, कहीं सारे रिएक्शन आवर्स में या तो इयर्स में भी होते हैं. तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर टाइम यूनिवर्स. अकॉर्डिंग टू रिएक्शन वी मे चेंज इट टू सेकंड और मिनट और मे बी आवर्स और इयर्स, व्हाटएवर वी करेक्ट और नॉट. बाय द वे, ये स्पीड को हम एवरेज स्पीड बोलते हैं. हम क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड. ओके, कई बार हम लोगों ने सुना हुआ है कि भाई पर्टिकुलर व्हीकल 60 किलोमीटर की पर आवर स्पीड रहा था. उसका मतलब ये हो, ऑन एन एवरेज पर आवर में वो 60 किलोमीटर ट्रैवल करता है. उसकी स्पीड हमेशा 60 किलोमीटर नहीं होती है, डिपेंडिंग अपॉन द रास्ता या खुला है. अगर रेड लाइट आ गई, then person has to stop and speed becomes zero. Road khula hai, open hai, then becomes
माइट बी 100 किलोमीटर पर आवर ऑल्सो. सो जब यहाँ पे रेट की बात कर रहे थे, वो रेट को एवरेज रेट बोलते हैं. वो रेट को क्या बोलते हैं? एवरेज रेट हमने जो फाइंड किया यहाँ पे. बट इंस्टेंटेनियस रेट अलग होता है. इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड कितना है. रिएक्शन में भी ऐसा होता है कि अगर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड कितना है, अगर हमें फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो वो लोग क्या करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड पे क्या फाइंड करने के लिए, सबसे पहले हमारे पास ये रिएक्टेंट बेस का एक ग्राफ है. ओके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एज टाइम प्रोग्रेसेस. वो ग्राफ प्लॉट करो आप. उसके बाद सपोज ये पर्टिकुलर टाइम पे आपको इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करना था, तो ये टाइम पे हम ग्राफ पे एक पॉइंट को प्लॉट करेंगे एंड देन वी विल ड्रॉ अ टेंजेंट. टेंजेंट का मतलब होता है अ लाइन इंटरसेक्टिंग दैट कर्व एट वन एंड ओनली वन पॉइंट. ये ऐसी लाइन है कि वो कर्व को यही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है. टेंजेंट ड्रॉ करो और टेंजेंट का स्लोप फाइंड करो. नॉर्मली पॉजिटिव एक्सिस के साथ थीटा की वैल्यू लेते हैं. कोई भी लाइन का अगर स्लोप फाइंड करना है तो थीटा ले लो पॉजिटिव एक्सिस के साथ. ये वाला थीटा गलती से भी मत लेना. ये थीटा लिया और स्लोप होता है नॉर्मली, ओके, एम बोलते हैं उसको, दैट्स इक्वल टू 10 थीटा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स फॉर्मूला. एंड सिंस थीटा इज बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री, यू कैन सी दैट एंगल. पर्टिकुलरली अगर आपके पास ऐसी लाइन आती है तो ये लाइन का थीटा हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा. सेकंड क्वाड्रेंट में 10 थीटा की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव. बट ओके, स्लोप जो आपको चाहिए ओके, वो भी नेगेटिव मिल रहा है यहाँ पे. हम क्या कर रहे थे यहाँ पे? मैं आपको बता रहा था कि हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए. क्या चाहिए? इंस्टेंटेनियस स्पीड एट दिस टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे हमें चाहिए थी. तो उसके लिए हम करेंगे सिंपल सी चीज. ये पर्टिकुलर टाइम पे हमने स्लोप सॉरी टेंजेंट ड्रॉ किया, उसका स्लोप फाइंड किया. वो स्लोप नेगेटिव होता है. वो जो स्लोप की वैल्यू है उसको हम बोलते हैं आर इंस्टेंटेनियस. क्या बोलेंगे? बट ये स्लोप नेगेटिव है और स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, रेट कैन नॉट बी, इसलिए हम क्या लेंगे? नेगेटिव स्लोप. हम क्या लेने वाले? इन शॉर्ट, जो भी टाइम पे अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, जिसको हम बोलते हैं आर इंस्टेंटेनियस, कुछ मत करो, वो टाइम पे कर्व पे एक पॉइंट लेके आओ, टेंजेंट ड्रॉ करो और उसका स्लोप फाइंड कर लो. ओके, आर इंस्टेंटेनियस विल बी ऑलवेज नेगेटिव स्लोप. आर इंस्टेंटेनियस क्या रहेगा? नेगेटिव स्लोप. आर इंस्टेंटेनियस को हम माइनस डी आर बाई डी टी भी बोलेंगे. डी आर बाई डी टी और डेल्टा आर बाई डेल्टा टी में एक ही चीज का फर्क है. डेल्टा आर मतलब डिविएशन या तो डिफरेंस काफी ज्यादा है. डी आर का मतलब होता है जो चेंज हो रहा है वो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी है एट दिस पॉइंट ओनली. आप मैथ्स में ये टॉपिक पढ़ाई करते हो, फिजिक्स में भी बताया गया. सो अगर आपको बेस्ड ऑन रिएक्टेंट अगर इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करना है, देन आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या रहेगा? नेगेटिव स्लोप, व्हिच इज इक्वल टू माइनस डीआर बाय डीटी. स्लोप की वैल्यू हमेशा एम इक्वल टू 10 थीटा से फाइंड करेंगे. अगर यही चीज आपको प्रोडक्ट के बेस पे फाइंड करनी थी तो बहुत ही सिंपल सा चीज है. ओके, हम क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम टी. इसका ग्राफ कैसा रहेगा? इस तरीके से. सपोज ये पॉइंट पे, ये पर्टिकुलर टाइम पे आप इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करनी है. ओके, गेट दैट पॉइंट ऑन द कर्व, ड्रॉ अ टेंजेंट. इस बार अगर आप देखते हो थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. इसका जो भी स्लोप होगा दैट इज कॉल्ड आर इंस्टेंटेनियस एंड इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू रहेगी. तो आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू स्लोप दैट इज इक्वल टू डीपी बाई डीटी. तो प्रोडक्ट बेस पे अगर हमें फाइंड करना है तो आपको हमेशा यह मिलता है आर इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू पॉजिटिव स्लोप इक्वल्स टू डीपी बाय डीटी. आप लोग को समझ में आ रहा है? अभी जरा ध्यान से देखते हैं. सपोज मेरे पास यहाँ पे एक रिएक्शन है N2 plus 3 A2 gives you 2 N3, very famous reaction, you know about this, manufacture of ammonia, Haber's process. Okay, let's say that time t equal to 0 पे मेरे पास इसके 50 मोल्स थे जब हमने रिएक्शन चालू किया था और इसके let's say कि मेरे पास 200 मोल्स हैं. Obviously ये जीरो है. After 15 मिनट let's say कि इसके 10 मोल यूज हुए तो बाकी कितना रह गया? इसके कितने मोल यूज होंगे? 30, बिकॉज यहाँ पे
प्रोपोर्शन क्या है, 1:3 है, अगर इसके 10 हो रहे तो उससे कितने होने वाला है, 30, तो यहाँ पे बच जाएगा 170 मोल्स, और इसके प्रोड्यूस कितने होंगे, 20 मोल। अगर आप 30 मिनट के बाद करते हो तो वापस 10 यूज हो गए इसके, ये 30 मोल बाकी रह गए, ये आपके 140 मोल बाकी रह गए, एंड ये बन गया है 41। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट, ओके, इसका एवरेज, आर एवरेज, हमारे पास फॉर्मूला है माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अगर पहले मैं नाइट्रोजन के बेस पे फाइंड करता हूँ, किसके बेस पे फाइंड कर रहा हूँ, नाइट्रोजन, तो पहले 15 मिनट के लिए मेरे पास जो आएगा वो ऐसा आएगा 40 माइनस 50 अपॉन टाइम टेकन वॉज 15 मिनट, और वी कैन से इट्स बेसिकली माइनस 10 बाई नहीं प्लस 10 बाई 15 हो गया, विच इज इक्वल टू 2/3 नाइट्रोजन के बेस पे। सेम चीज अगर मैं हाइड्रोजन के बेस पे फाइंड करता हूँ, किसके बेस पे फाइंड करूंगा, हाइड्रोजन के बेस पे जब आर एवरेज फाइंड करते हो तो आपके पास मिलता है ओके माइनस 170 माइनस 200 अपॉन टाइम टेकन 50 ओके, और आधे से 30/15 दैट्स इक्वल्स टू 2, करेक्ट ना, आपको समझ में आ रहा है। एंड वही चीज अगर मैं अमोनिया के बेस पे फाइंड करता हूं, अमोनिया के बेस पे आर एवरेज होता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, तो वो मिल रहा है आपको फर्स्ट 15 मिनट के लिए 20-0 अपॉन 15 मिनट, या तो अगर आप देखते हो इसको ये मिल रहा है 4/3, मतलब हमें तीन वैल्यू मिल रही है ओके, N2 के बेस पे 2/3 आ रहा है, H2 के बेस पे दिस वाज बेस्ड ऑन H2 एंड दिस वाज बेस्ड ऑन Na3, ये 4/3 आ रहा है। एक ही रिएक्शन सेम टाइम इंटरवल हमने सेम रखा, एक ही रिएक्शन पे पर्टिकुलर सेम रिएक्शन पे तीन अलग अलग स्पीड कैसे हो सकती है, ये तो ऐसी बात होगी कि कोई एक बस एट ए टाइम पे ओके टी की स्पीड पे भी चल रही है, 20 की स्पीड पे भी चल रही है, और 60 की स्पीड पे भी चल रही है, एक ही बस सेम टाइम पे तीन अलग स्पीड पे कैसे हो सकती है ओके, जिन्होंने मेजर किया उसके मेजरमेंट ने कुछ लोचा, करेक्ट नॉट, तो मैंने जो सिखाया गलत नहीं सिखाया, लेकिन एक चीज हम कंसिडर करना भूल गए थे, ये तीन चीजें नहीं होनी चाहिए, तीन रेट नहीं आना चाहिए, कोई भी रिएक्शन का अगर फाइंड करो तो हमेशा सेम आना चाहिए, जो हमने कंसिडर नहीं किया था वो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कंसिडर किया ही नहीं, कैन यू सी दैट, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई वी नीड टू कंसिडर दैट, बिकॉज जब ये 1 मोल यूज होता है नाइट्रोजन तब ये 3 मोल यूज होता है। अगर आप ध्यान से देखो इन सबको में जो हमें जो आंसर मिले, जैसे कि यहाँ पे 2/3 था, उसको मैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दूं, नाइट्रोजन के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 2/3 इनटू 1/1, इसको भी मैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दूं, इसका कितना है, तो ये भी बन जाएगा 2/3, और इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, मल्टीप्लाई बाय 1/2 करूं तो आपको हर एक कितना मिल रहा है 2/3, हर एक कितना मिल रहा है 2/3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो जब भी आपके पास ऐसा कोई रिएक्शन आता है तो हमेशा आपको एक चीज करनी रहती है कि जब आप एवरेज रेट फाइंड करो, जैसे कि N2+3H2U2Na3, तब आर एवरेज जब फाइंड करते हो ओके, आर भूल गया हूं यहां पे लिखने, आर एवरेज, तब कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा इनटू बाय डेल्टा टी ओके डिवाइडेड बाय इस कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट 1 है एंड यहां पे नेगेटिव 1/1 आना चाहिए। अगर प्रोडक्ट ये इसके बेस पे फाइंड करोगे तो आना क्या चाहिए, -1/3 डेल्टा एच टू बाई डेल्टा टी, एंड यहाँ पे आएगा 1/2 डेल्टा एन ए थ्री बाई डेल्टा टी। अगर इंस्टेंटेनियस करते हो तो भी आपको कोएफिशिएंट से डिवाइड करने का -dN2/dt, या तो फिर इसके 3 से डिवाइड करो -1/3 डी एच टू बाई डी टी, या तो फिर आप लिखोगे 1/2 डी एन ए थ्री बाई डी टी। इन जनरल अगर आपके पास कोई एक रिएक्शन है N1A, N2B gives you N3C plus N4T. तब average rate find करना है. Reactant base होगा तो minus sign लगेगा. Okay? -1/N1 into delta A by. इसके लिए क्या करोगे? -1/N2 delta B by delta T. Product के लिए positive sign आएगी. You can see that product के लिए. 1/N3 delta C by delta T and 1/N4 delta T by delta T. वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अगर इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है तो क्या करोगे, ओके -1/N1 dA/dt, सेम में -1/N2
dv by dt plus 1 by n3 product ke base pe dc by dt and 1 by n4 dd by dt. So